हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम माइनक्राफ्ट में वापस आ गए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ये स्वॉर्ड आयरन की स्वॉर्ड बहुत अच्छी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स है, नॉक बैक, फायर एस्पेक्ट, स्विफ्टनेस ऐसे। और इस डायमंड स्वॉर्ड में सिर्फ दो ही, स्मार्ट और स्माइट और अनब्रेकिंग। तो स्माइट का मतलब नहीं पता क्या काम होता है, तो किसको पता हो तो बता देना। और डायमंड की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने सोचा आप, मैं डायमंड टूल से यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ करी कि जिससे मुझे बहुत सारे रिसोर्सेस मिले, और मैं वो चीज़ आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। और मैं जाने वाला हूँ उधर कई डेजर्ट में, एक चीज़ एक्सप्लोर कर, थोड़ी सी रिसोर्स चाहिए। तो मैं पहले मेरा काफ़ी मैंने सोचा तो कुछ और था बनाने का, पर मेरे मन में अलग आइडिया आया, तो मैंने एक डाटा पैक लगाया था। ये सारी ले लो, ये स्टोन मेरे पास क्या कर रहे हैं, हाँ वो डेकोरेटिंग के स्टोन है। तो मैंने एक डाटा पैक लगाया था माइनक्राफ्ट के लिए, जिसमें है ना अलग अलग डाटा पैक क्या होता है, जैसे मॉड पैक्स होते हैं ना, वैसे डाटा पैक होते हैं, मॉड पैक जैसे ही होते हैं। तो मैंने उन डाटा पैक्स को लगाया था, जिसमें एक में तो था पेड़ की एक ट्रंक काटो और पूरा पेड़ कट जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे थे। तो एक मैंने फैंसी स्ट्रक्चर्स का भी लगाया, जैसे जैसे आरएल क्राफ्ट में वैसे बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स आ जाते ना, वैसे हमारे एक इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स जुड़ जाए थे, यानी टोटल 23 स्ट्रक्चर्स। तो उस वैसे 23 स्ट्रक्चर्स ये भी ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, वैसे 23 स्ट्रक्चर्स वैसे पूरे वर्ल्ड में जितने, तो सारे 23 स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं। तो पहले देख लेता हूँ, सॉरी पहले देख लेता हूँ कि शाम तो नहीं हो रही है, सूरज ही नहीं दिखा। अच्छा वो ऊपर है, शाम होने में थोड़ा समय है। तो मैं बताने वाला हूँ कि है ना, वो वैसे पूरे यानी नेदर में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो क्या है एंड में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, और हमारे वर्ल्ड में कुछ स्ट्रक्चर होंगे। तो एक दिन मैं जब मॉब फार्म बना ही रहा था, उस दिन मेरे को एक स्ट्रक्चर मिला था, तो मैं वो रहा, देखो वो दिख गया वो रहा स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो बाद में हम ये केव्स में भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हर चीज़ बताना भी तो ज़रूरी है कि मेरे को इतने सारे डायमंड्स और इतने सारे आयरन कहाँ से मिला। लगभग मेरे पास अभी 1.5 स्टैक डायमंड और आयरन, 1.5 स्टैक तो है ही, गोल्ड कम है, गोल्ड मुझे कम मिल गया। तो हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इसको पता नहीं इसका नाम क्या है, मैं खुद ही भूल गया हूँ, इसका नाम मेरे को पता ही नहीं था वैसे भी। ये उन 23 फैंसी स्ट्रक्चर्स में से एक है। तो चलो सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ थोड़ा पास जाके। तो शायद हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है इसके अंदर होगा क्या, और लगता है चारों तरफ से पैक्स पैक है और अलग अलग टाइप के स्टोन से बना है। तो मेरे पास, अरे मैं शवेल ही नहीं लाया, सबसे बड़ा गधा, स्केलेटन आवाज आ रही मुझे तो, हाँ वो रही स्केलेटन दिखे, ये रहा स्केलेटन। मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए था, एरो बो एंड एरो जैसे, कोई बाहर भी आ सकते इधर आ इधर आ। ओहो मेरे में इतनी पावर है कि मैंने एक ही बार में उसे मार दिया, वाह आई एम सो स्ट्रॉन्ग। आदि आदि कौन है, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं, ओ स्पॉनर यहाँ पे, ग्रेट वी हैव एक स्पॉनर स्केलेटन का भी। अरे शिट 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 शिट, एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी ऊपर भी कुछ है लगता है, ऊपर भी कुछ जाता है। तो पहले मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि कोई भी स्केलेटन स्पॉन ना हो सके। अरे क्या है, इसके फोल्डिंग में लेके क्यों आए हो, दो वाली हरकतें कर ली है। और यहाँ पे दो दो चेस्ट है, एक चेस्ट में आई डायमंड मिला और स्पेक्ट्रल एरो, ओह हमने बनाया था एक वीडियो में स्पेक्ट्रल एरो, स्पेक्ट्रल एरो, और एक ये ब्रेड भी मिली है। और इस चेस्ट में क्या मिला है, ब्रेड मिली है थोड़ी सी, कितनी टोटल ब्रेड हो गई, और बुक्स मिली है, वाह, और दो स्पेक्ट्रल एरो और एनचेंटिक बटन, वाह। तो ये ले लेते चेस्ट, हमारे काम ही आने वाले हैं। और थोड़ी जगह कर लेते हैं इन्वेंट्री में खास चीज़ों के लिए,
अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है ये देख के आते हैं। ऊपर भी चेस्ट है, वाह। ओह यहाँ से दिखता बढ़िया है, क्या पता किसी दिन हम इसको अपना कैसल में बदल दें। आइडिया कैसा है मेरे को कमेंट में बताना। एक और डायमंड, वाह, और गोल्ड भी मिला। गोल्ड की बात ही तो कर रहे थे, हमारे पास नहीं है। थैंक यू गॉड। ओ ये रोटन फ्लैश भी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हम किसी क्या पता किसी दिन हम इसको अपने कैसल में बदल दें। तो कैसा आइडिया है बताना कमेंट में। बार बार कमेंट की बात तो करनी पड़ेगी, मेरे को पता कैसे चलेगा, नहीं तो तुम्हारी राय क्या है इन चीज़ों के बारे में। तो बस ये इतना सही था क्या यार? मैंने तो देखा बड़ा डंजन होगा, वो नहीं होता आयरन क्राफ्ट में वैसा डंजन होगा। अरे जाते कैसे बात, अच्छा वहाँ से जाना। हाँ तो ऐसी जगह होगी, तो फिर मेरे को अब लगता नहीं है कि वैसी जगह है। ब्लॉक कर लेते हैं, वापस कोई जा ना सके, हमारे अलावा कोई जा ना सके, हम तो जाएंगे ही। ठीक है ये एक मार्क कर लेते हैं, इसको कासल बनाना नहीं तो। ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया। पहले क्राफ्टिंग टेबल बना ही लेते हैं, और मैं वो लिखना नाम भूल गया। मैं सोच रहा हूँ कोई अलग आइडिया देख रहा हूँ जिसपे मैं नाम लिखूँ, जैसे कोई ऐसी चीज़ जिस पर बार बार ध्यान जाए सभी का। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ, स्टिक्स भी है ना हमारे पास, अभी थोड़े ये प्लैंक्स बना देते हैं। मेरे को बनाना था वो नेम, क्या होता है उसका नाम, साइन बनाना है मुझे। और कहाँ है ये प्लैंक्स हो गए, और स्टिक्स कहाँ गई मेरी सारी, क्या कर दिया मैंने, शिट। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लगता है मैं अपने आप के ही काबू में नहीं हूँ। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आ गया क्या साइन की रेसिपी, साइन हाँ आ गया, तीन साइन मिलते हैं। अच्छा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वर्ट टू CASTLE। ठीक है, हेलो सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज का वीडियो बिना एडिट करे बनाया है, और अगर आज का वीडियो अच्छा ना लगे तो हमें बता देना, हमेशा की तरह एडिटेड वीडियो डाल दूँगा। कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट। देखो कैसा लग रहा है कन्वर्ट टू कैसल, काश इसमें और चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं ले आया हूँ, दो बार पास साइन भी हो गए हैं, ले लो इसको। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे क्या काम आएगा, अभी के लिए, भविष्य में काम आएगा तो आएगा। और मेरे को ये बहुत कैक्टस की एक बात पता चली कि कैक्टस, जैसे मैं कैक्टस तोड़ रहा हूँ तो किसी भी टूल हाथ से तोड़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, और किसी भी टूल से तोड़ूंगा तो नहीं मिलेगा, और किसी भी दूसरे सॉलिड ब्लॉक के पास रखूंगा ना कैक्टस ये लगेगा ही नहीं, देखो ऐसे। और अगर हवा में रखूंगा तो लग जाएगा ऐसे। ये कैक्टस की बड़ी बेकार प्रॉपर्टी लगी मुझे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये आउटपोस्ट, एक और आउटपोस्ट, वाह एक्सप्लोर करना तो बनता है, आ ही गए तो एक्सप्लोर करके ही जाते हैं।